तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि वीवो की तरफ से आ चुका है वीवो का S1 और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वही वीवो S1 के 10 प्लस हिडन फीचर्स के बारे में। दोस्तों, काफ़ी कमाल के ये फीचर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दबा दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फीचर को देखने के लिए चलना होगा हमने फ़ोन के सेटिंग्स में। तो चलते हैं सीधे से यहाँ से सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे फीचर जो देखने को मिलता है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे OTG। अब देखिए, OTG तो लगभग आपको वीवो का भी सारे फ़ोन्स में मिल जाएंगे, लेकिन तभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि OTG का आपको यूजेज कैसे करना है। बहुत समय होता है क्या है कि आपने OTG को यहाँ से यूज करके कुछ भी शेयर कर लिया, लेकिन आपने जैसे ही अपने मतलब मेमोरी को निकाला बाहर, तो क्या होगा कि वो आपकी वहाँ पे जो कॉपी थी वहाँ पे चलेगी नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए, OTG को लगाना है और लगाते समय यहाँ पे OTG को ऑन करना है, और ऑन करके उसके बाद यहाँ पे आप उसमें जो भी चीज़ शेयर करना चाहते हो उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट या फिर कट पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी, जब आपने वहाँ पे सारी कर दी तो अनइंस्टॉल सेफली का यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक ऑप्शन आएगा, और तब जाके उसको करना क्या है कि अनइंस्टॉल सेफली कर देना। जब वो अनइंस्टॉल हो जाए तब जाके आपको जो अपनी OTG को रिमूव करना है वहाँ से, और तब आप वहाँ की जो इसमें आपने जो भी कॉपी की होगी अपने OTG में, तो वो आपकी बेफिक्र से आराम से चलेगी। अब यहाँ पे चलते हैं सेकेंड फीचर की ओर। तो सेकेंड फीचर जो यहाँ पे निकल के आता है दोस्तों, वो है जोबी। अब जोबी के अंदर चलते हैं, और जोबी के अंदर जाने के बाद आपको चार फीचर्स देखने को मिलते हैं, स्मार्ट कैमरा, इमेज रिकॉग्नाइजर और स्मार्ट सेंस और स्मार्ट बटन। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट कैमरे के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे स्मार्ट कैमरा दिया गया है। आपने वीवो S1 खरीदने गए होंगे या फिर वीवो के अभी लगभग सारे फ़ोन्स में AI फेस ब्यूटी मोड दिया गया है, तो आप कभी भी कोई भी लेटेस्ट फ़ोन अभी वीवो का खरीदे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि भाई देखो, इसमें आप अगर ये फ़ोन लेते हो वीवो का तो इसमें आपको स्मार्ट कैमरा यानी कि AI फेस ब्यूटी वाला कैमरा देखने को मिलेगा। अब मैं इसको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि AI फेस ब्यूटी का यूजेज क्या है। अब देखिए, आपने अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा को या फिर बैक कैमरा को ओपन की हुई है, ठीक है, और वहाँ पे आपने फेस ब्यूटी मोड को ऑन करके रखा है। अब फेस ब्यूटी मोड को ऑन करके जैसे ही रखा है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऊपर में एक इमेज टाइप का, और वहाँ पे उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी रेशियो सेट करने की। आप जाके वहाँ पे जो आप अपनी फ़ोटो के ब्यूटी मोड की रेशियो को सेट कर सकते हो, कि आप वहाँ पे देख लो कि आपके किस रेशियो पे आपकी पिक्चर जो है वो ज़्यादा बेटर आती है, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो और तब जाके आप अपनी पिक को क्लिक करो, वहाँ से आपकी इमेज और भी ज़्यादा बेटर आएगी। अब इसी में दूसरा जो है वो स्मार्ट सेंस। अब स्मार्ट सेंस के बारे में क्या है, देखिए स्मार्ट सेंस यहाँ पे जो हमारी होम पे होते हो और यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ स्वाइप करते हो, तो यहाँ पे जो हमारे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आती है उसको हम लोग स्मार्ट सेंस बोलते हैं। तो स्मार्ट सेंस में यहाँ पे पहले आ जाते हैं, और यहाँ पे आपने यहाँ पे स्मार्ट सेंस में इसको शॉर्टकट सेटिंग्स भी बोल सकते हो, जिसमें आप लोग जो भी चीज़ रखना चाहते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दो, ऑन कर दो, वो सारी आपकी शॉर्टकट में आ जाएगी। आपने सिर्फ अपने होम से लेफ्ट की तरफ स्लाइड करो और वो आप अपने स्मार्ट सेंस में आ जाओगे। इसको हम लोग जो भी स्मार्ट सेंस भी बोलते हैं। तो और चलते हैं इसमें तो इतना ही था, आप चलते हैं नेक्स्ट फीचर को। तो नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे दिया गया दोस्तों, अल्ट्रा गेम मोड। अब ये फीचर सबसे ज़्यादा कमाल का फीचर, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब देखें, यहाँ पे अल्ट्रा गेम मोड के द्वारा आप अपनी गेम एक्सपीरियंस को जो है और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। अगर आप एक अच्छा गेम खेलते हो, गेम लवर हो और गेम खेलना पसंद करते हो, जैसे कि मैं पबजी लवर हूँ तो पबजी खेलना पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए वीवो S1 जो है काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, साउंड लोकलाइजेशन, ट्रेनिंग सेंटर, गेम असिस्टेंट, बैकग्राउंड कॉल्स, ब्लॉक नोटिफिकेशन, स्पोर्ट्स मोड, रिजेक्ट, 4D गेम वाइब्रेशन, डिजेबल ऑटोमेटिक वाईफाई, ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, परफॉर्मेंस प्रेफर्ड, गेम पिक्चर इन पिक्चर। तो गेम पिक्चर इन पिक्चर की बात करें तो आपको ये फीचर जो है वो सारे फ़ोन्स में नहीं मिलते हैं, ये आपको वीवो S1 में मिल जाएंगे, फिर वीवो Z1 Pro में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप मतलब गेम खेल रहे हो और आपने कोई नोटिफिकेशन आया, या फिर आप चाहते हो कि मैं मल्टीटास्क करूँ, अपने स्क्रीन को दो पार्ट में चलाऊँ, तो और सारे फ़ोन में तो आप बहुत सारे ऐप्स में कर लोगे लेकिन गेम्स में आप नहीं कर पाओगे। इसमें क्या है कि आप आराम से कर सकते हो, अपने 3 फिंगर को स्लाइड करो
और वहाँ से आपको जैसे ऊपर इंस्ट्रक्शंस में देख रहे हो तो आप यहाँ पे दो पार्ट में आ जाओगे, और एक तरफ गेम खेल लो और एक तरफ व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी आप जो भी चलाना है वहाँ पे चलाओ। तो ये काफ़ी अच्छा बात है कि गेम पिक्चर इन पिक्चर आपको दिया गया है वीवो S1 में, और यहाँ पे और सारे फीचर है तो आप यहाँ से ऑन करके समझ लेना, क्योंकि मैं अगर समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जो है यहाँ से हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे उसी के जस्ट नीचे है, मोटर बाइक मोड। अब ये आपके सेफ्टी का फीचर है दोस्तों। बहुत सारे फीचर जो होते हैं वो आपको इंटरेस्टिंग होते हैं, मज़े के लिए होते हैं, लेकिन ये कुछ सेफ्टी फीचर्स भी आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे मोटर बाइक मोड का मतलब ये है कि आप कभी बाइक चला रहे हो और आपने मतलब बाइक, मैं तो यही कहूँगा कि आप बाइक चलाते समय कभी जो है वो कॉल को रिसीव मत करो, या फिर आपने कॉल को रिसीव करना है तो आप गाड़ी साइड में लगा के तब कॉल को रिसीव करो, गाड़ी रोक के तब रिसीव करो, नहीं तो आपको मोटर बाइक मोड को ऑन करके रखो। इससे क्या होगा कि आपको जो भी कॉल करेगा उसको पता चल जाएगा कि आप भाई बाइक चला रहे हो, उसको ऑटोमेटिक सेंसर चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो भी समझ जाएगा कि भाई बाइक चलाते समय कुछ खतरा हो सकता है तो मैं इसको अभी कॉल नहीं करता हूँ। और फिर जब आप फ़ोन निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किसी का मिस कॉल आया था, चल उस समय आप जो है उसको कॉल कर लेना दोबारा। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर दोस्तों इसी में हमारा यहाँ पे नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखता है एक फेस फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। तो फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको टैप द फिंगरप्रिंट आइकन टू कैप्चर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपने मतलब कभी भी किसी फ़ोन में सेल्फी या वीज ली होंगी या फिर कभी कैमरा से फ़ोटो ली होगी, तो उसमें क्या होता है कि जिसमें इन डिस्प्ले फिंगर है तो उसमें आप लोग जो है वो फिंगर के द्वारा जो है वो पिक्चर क्लिक नहीं कर पाते होंगे। लेकिन इसमें क्या है वीवो S1 में कि आप जो अपने फिंगर के द्वारा जो है वो सेल्फी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने फिंगर पे ऐसे टच करोगे या फिर वॉल्यूम माइनस बटन को जो है प्रेस करोगे तो क्या होगा कि आपकी सेल्फी जो है वो क्लिक हो जाएगी। और यहाँ उसी के जस्ट नीचे स्लाइड डाउन द फिंगरप्रिंट आइकन टू डिस्प्ले द नोटिफिकेशन सेंटर। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर दोस्तों हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन। अब स्मार्ट मोशन में भी आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्मार्ट वे, गियर ऑपरेशन, टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, स्मार्ट कॉल, चेक टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट और स्मार्ट रिमाइंड। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है, उसका नाम है दोस्तों स्मार्ट रिमाइंड। स्मार्ट रिमाइंड क्या है, आपने कभी अपने फ़ोन को कहीं पर रखा है 5 मिनट के लिए, आप कोई काम कर रहे हो और उस समय जो आपको कोई भी मैसेज आती है, कोई भी मिस कॉल आती है और आपको उस समय पता नहीं चल पाता, लेकिन आप अपने जब भी फ़ोन को लेने जाओगे तो फ़ोन को जैसे ही पकड़ोगे और उठाओगे तो क्या होगा कि आपको कुछ वाइब्रेशन सा फील होगा और उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे में कोई मिस कॉल आया है या फिर कोई भी कॉल वगैरह कुछ भी आई है, मैसेज वगैरह आई है, और उस समय आप जाके अपने नोटिफिकेशन को चेक करोगे और कॉल आया हो तो उसको कॉल बैक कर सकते हो, मैसेज आया तो मैसेज को देख सकते हो। अगर ये फीचर नहीं होता तो आप शायद उसको यूज़ नहीं कर पाते और अपने फ़ोन को फिर से जेब में रख के और कहीं पर चले जाते। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर दोस्तों यहाँ पे हमारा है स्मार्ट मिररिंग। अब स्मार्ट मिररिंग क्या है, देखिए स्मार्ट मिररिंग बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग यूज नहीं कर पाते हैं। उसका भी कोई कारण है कि उनके घर में कोई स्मार्ट LED TV नहीं होता, तो ये फीचर जो है वो स्मार्ट LED TV जिनके पास है उन्हीं के लिए है। क्योंकि देखिए आप जो है स्मार्ट LED TV में स्मार्ट मिररिंग के द्वारा अपने फ़ोन को कनेक्ट करके और क्या कर सकते हो कि यहाँ आपने अपने फ़ोन पे जो भी चीज़ चलाई वो आपकी बड़ी सी LED स्क्रीन पे चलेगी। तो यहाँ पे वाईफाई सेटिंग्स मार रहा है तो स्क्रीन मिररिंग को यहाँ पे सिंपली से जाना है और ऑन करना है। ऑन करके यहाँ पे आपको यूज़र गाइड को पढ़ लेना है, यूज़र गाइड बहुत ज़्यादा लंबा है तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता पूरा, तो यहाँ पे कुछ पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ में आए स्मार्ट मिररिंग के बारे में तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आप सीधे स्किप करके आते हैं लास्ट में स्मार्ट क्लिक। अब स्मार्ट क्लिक क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है, मैं तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज करता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों स्मार्ट क्लिक में मैंने टर्न ऑन ऑफ फ्लैशलाइट पे सिलेक्ट करके रखी। आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो, ओपन कैमरा, ओपन फेसबुक या फिर कोई भी ऐप को यहाँ पे ऐड करके कर सकते हो। मैंने टर्न ऑन ऑफ फ्लैशलाइट रखी है इसलिए क्योंकि देखिए मेरी फ़ोन लॉक है, आप मानिए कभी भी लाइट कट जाती है और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज है या फिर किसी के घर में इन्वर्टर नहीं है तो क्या होगा कि आपने वॉल्यूम माइनस बटन को 3 सेकंड तक जैसे ही लगातार दबा के रखोगे तो आपकी फ्लैशलाइट जो वो जल जाएगी और उस टाइम जो आप अपने जाकर टॉर्च खोज सकते हो, कोई भी लाइट जला सकते हो, आप कुछ भी वहाँ पे कर सकते हो। उतनी देर के लिए आपने भाई अंधेरे से तो बचे रहोगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंधेरा सा डर लगता है। चलिए
यही वो कुछ फीचर्स थे जो कि आपको आपके वीवो एस वन में देखने को मिलेंगे। काफ़ी लाजवाब के फीचर है, कमाल के फीचर है, बेस्ट फीचर है और कुछ हाइडन फीचर्स भी थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, जिस भी फीचर के बारे में आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।